दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पिलाइंग सिख मिल्का सिंह का 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। जी हां, क्या है खास खबर। जहां पर एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं पर आज बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मिल्का सिंह का 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया है। क्या है खास खबर, आगे बढ़ते हैं। भारत के महान धावक मिल्का सिंह का कोरोना से 91 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस शोक जताया। बता दें बीते दिन उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। खबरों के मुताबिक उन्हें फिर बुखार आ गया था और उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो गया था। 91 साल के मिल्का सिंह कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जिसके बाद अब उनका निधन हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्का सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। भारतीयों के दिलों में मिल्का सिंह के ये खास जगह थी। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्ति से प्रेरित किया। मैं उनके निधन में से बहुत दुखी हूं। जी हां, आगे बढ़ती है। बता दें कि मिल्का सिंह का कोविड-19 परीक्षण बुधवार को नेगेटिव आया, जिसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू से सामान्य आईसीयू में शिफ्ट करा दिया गया था। लेकिन फिर गुरुवार को उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। आपको बता दें इसी हफ्ते मिल्का सिंह की पत्नी निर्मल मिल्का सिंह का कोरोना से 85 साल की उम्र में निधन हुआ है। मिल्का सिंह उस वक्त PGI अस्पताल के ICU में भर्ती थे, जिस कारण वो पत्नी के दह संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी नई से नई अपडेट जानने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।